राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल करे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में जाना था। तो आज उन्हीं फैक्टर को लेकर हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग दी कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर करंट का कारण क्या होता है? करंट का कारण होता है आयंस का फ्लो होना, यानी कि जहाँ पर क्या होता है आयंस की मूवमेंट के कारण जो करंट पैदा होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है स्टूडेंट्स? मोबिलिटी के ऊपर करती है, उनकी वेलोसिटी के ऊपर करती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं हमारे जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड करने वाले कुछ फैक्टर है जो हम क्या करते हैं डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला रहेगा हमारा टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले टेम्परेचर की। तो आपको जैसे पता है भाई, जो हमारा जो क्या होता है कंडक्टेंस है वो हमारी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मोबिलिटी होगी यानी कि मूवमेंट ऑफ आयन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो कितने टूट रहे हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे इसको डिपेंड बताएंगे कि किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्या रहेगा टेम्परेचर रहेगा। अब आप लोगों को पता है भाई, जब हमारा क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम लिखेंगे द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप क्या होगा जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी हमारी इंक्रीज करती है। उसका कारण क्या होगा भाई, ऐसा क्या हो रहा है? तो हम ऐसे बहुत से सारे फैक्टर होते हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है, इसका कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण है भाई, इट इज ड्यू टू द फॉल इन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। पहला इसका फैक्टर है वो कौन सा हो सकता है? इसी टेम्परेचर के अंदर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो एक तो क्या है, ड्यू टू, ये लिख देते हैं इट इज ड्यू टू, यानी पूरा प्रॉपर सेंटेंस बना, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन दी मोबिलिटी या विस्कोसिटी, पहले विस्कोसिटी की बात करेंगे। इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको पता है भाई, जैसे जैसे विस्कोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट ऑफ आयन है वो क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। तो एक तो ये था हमारा भी, जैसे जो क्या हो गया हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ विस्कोसिटी हमारी क्या होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी लेकिन मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर है हमारा फॉल इन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन, दूसरा हमारा फैक्टर है फॉल इन द, किसके अंदर स्टूडेंट्स? फॉल इन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन, फॉल इन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब ये सॉल्वेशन ऑफ आयन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा भी, जैसे हम क्या करते हैं आयनाइज कर देते हैं कभी, यानी कि जब जैसे हमने वाटर के अंदर क्या डाला, हमने वाटर के अंदर NaCl डाला, तो आप लोगों को पता है भाई वहाँ पर क्या हो जाएंगे उसके चारों तरफ सराउंडिंग की तरफ क्या हो जाएंगे, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो जो स्लाइटली नेगेटिव पार्ट होगा उस तरफ क्या कर लेगा, उसको सराउंड कर लेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं सॉल्वेशन बोलते हैं, या हाइड्रेशन, जो इन यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इस तरह से इसके चारों ओर क्या आ जाते हैं, जो ऑक्सीजन पार्ट है उसको सराउंड कर लेता है और इसी को हम क्या बोलते हैं सॉल्वेशन बोलता है। ऐसे ही जो हमारा Cl नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो बात समझने की है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं हम भी, कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ। वैसे आप कह सकते हैं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आयंस की वो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ें जो इन्होंने दो मेन बताई है, पहले इन्हीं के बारे में बता देते हैं हम।
भाई इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन दी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है कोई भी आपके पास कंसंट्रेटेड है या फिर आप कहे भी विस्कस है, हाईली विस्कस है, मतलब गाढ़ा है सॉल्यूशन, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे हीट करते हैं तो क्या होगा, वो आपको पता है भी पिघलना स्टार्ट कर देता है, मतलब क्या हो जाएगा जो उसकी विस्कोसिटी हमेशा डिक्रीज होगी। तो जो सॉल्वेंट था उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगे, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी यानी चार्ज जल्दी से भागेंगे, आयंस जल्दी से मूवमेंट करेंगे, और आयंस की मूवमेंट बढ़ गई तो इसका मतलब क्या बढ़ गया स्टूडेंट्स, उसका मतलब आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। दूसरा इन्होंने कह रखा है भी फॉल इन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब क्या होगा, जो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही थी वो भी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये डिक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज होगी तो भी हमारा क्या हो जाएगा, आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, फ्रीली मूव कर सकेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज करती है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है भी होता क्या है, कैसे टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ ये इंक्रीज होती है। वैसे आप बहुत सारे फैक्टर अभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आप लोगों को पता, बढ़ेगी तो आयंस मूवमेंट करेंगे तो हमारा करंट ज़्यादा आएगा, या हम कहते भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, आयंस के बीच की टोर टूटेगी तो, या गाढ़ा है जो गाढ़ा सोल्यूशन यानी विस्कस है वो हमारा डिक्रीज होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी किसके ऊपर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को समझ में आई होगी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो जाएगी, हमारी जो हमारा क्या हो जाता है कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन जो विस्कोसिटी है वो हमेशा टेम्परेचर का क्या होती है जो रिवर्स होती है। तो इसी कारण से क्या होगा, ये हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ लेकिन विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, सॉल्वेशन ऑफ आयन है वो भी हमारा क्या होता है डिक्रीज होता है। तो सेकंड फैक्टर है स्टूडेंट्स मेरा क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज़ है भाई, यानी कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे फंडे यानी कि हमने इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक का, आप लोगों ने एक फॉर्म यानी कि हमने एक बात पढ़ी थी, उसका मतलब क्या था भी पोलर पोलर को क्या करेगा डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर का डिजॉल्व करेगा। यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम ऐसा सॉल्वेंट चूज करते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो, ज़्यादा हो। जब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा, उसका मतलब स्लाइटली पोलर नेचर का है, वो ज़्यादा नेचर का होगा तो जो उसके अंदर आयंस होंगे वो क्या करेगा, ज़्यादा सराउंड करेगा तो हमारी क्या होगी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ अभी हमारी कैसे इंक्रीज होगी वो अभी हम बताते हैं भी किस तरह से इंक्रीज होगा, लेकिन जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम कहेंगे भी द सॉल्वेंट विच हैव हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या कहेंगे हम, द सॉल्वेंट विच हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसके पास क्या होती है हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज करेगा हमारी क्या, इंक्रीज करेगा बिस्को क्या कंडक्टिविटी हो, कैसे, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी क्या होती है हैज कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर क्या होती हैज कैपेसिटी टू सेपरेशन ऑफ आयंस, यानी कि सेपरेशन करने की टेंडेंसी होती है किसकी, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी भी सॉल्यूशन का जिसका ज़्यादा होता है, या सॉल्वेंट की बात करें द सॉल्वेंट विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू हैज कैपेसिटी टू सेपरेशन ऑफ आयन, यानी कि वो क्या करेगा सेपरेशन कर देगा। और जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, एग्जाम्पल है ये हमारा वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हैंस क्या होगा मोर पावर टू सेपरेट दी आयन, यानी कि ये सेपरेट को ज़्यादा करता है सेपरेट दी आयन। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है बच्चों वाटर का लगभग कितना होता है हमारा, यानी हम बात करें भी यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है, एक दो सॉल्वेंट की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बात करूँ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का भी बच्चों सबसे ज़्यादा होता है, और ये पोलर नेचर का तो ये भी लिखेंगे हम
हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड हाईली पोलर इन नेचर, तो इसकी क्या होती है सेपरेशन की पावर ज़्यादा होती है। वाटर की बात करूँ तो वाटर का जो क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है स्टूडेंट 81 होता है। मिथाइल एल्कोहल की बात करें उसका कितना होता है, यानी कि मिथाइल एल्कोहल की बात करूँ तो इसका होता है लगभग 31। फिर हम बात करें इथेनॉल की, इथाइल एल्कोहल का कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका होता है 27, यानी ये 35 होता है और ये 27 होता है। मतलब वाटर की टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत यानी डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इसका ज़्यादा होता है। इसी कारण से क्या होगा ये कंडक्टर्स को इंक्रीज करने के अंदर हमारी मदद करता है। तो मोलर कंडक्टिविटी और क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होती है विद डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, यानी कि हम क्या कहेंगे इसके अंदर द वैल्यू ऑफ किसकी, द वैल्यू ऑफ कौन कौन सी, लैम्डा एम का मतलब स्टूडेंट्स मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ किसकी स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। लेकिन एक और फैक्टर आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अराइज होता है भाई हमारी जो वैल्यू है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये इंक्रीज हो रही है जो पहला हम वैल्यू हमारी किसकी लैम्डा यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये तो हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का नेचर हो रहा है यानी कि सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। लेकिन मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप एक लाइन और लिख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे वो चीज़, तो आप लोगों ने बताना है भी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है किसके साथ, इंक्रीज इन द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो हम आपको के अंदर आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था भाई जहाँ पर क्या किया था कंडक्टेंस की कापा की बात करें हम, वहाँ पर हमने उनको स्पेसिफाई कर दिया था यानी कि जो ये हमारी कंडक्टेंस के इक्वल आ जाती थी जो रो एल बाई ए था हमारा या ए बाई एल था वो सारे का सारा हमारा क्या आ जाता था बच्चों, इसको हम 1 मीटर लेके चलते थे, इसको 1 मीटर का स्केयर या सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर का स्केयर दोनों को लेके चलते थे, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है एक दूसरे के इक्वल आ जाती थी। तो इसका मतलब हमने पहले ही क्या कर दिया, जो एरिया था और जो हमारा इलेक्ट्रोड था यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू पहले ही हमने क्या कर दी उसको कॉन्स्टेंट कर दिया। अब जब उसका पोलर नेचर यानी कि जो पोलर नेचर इंक्रीज करता है सॉल्वेंट इंक्रीज करता है तो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, थोड़े से नंबर ऑफ आयंस तो नहीं लेकिन हम क्या कहेंगे भी कंडक्टिविटी तो हमारी क्या हो जाएगी वहां पर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने जो एरिया है वो पहले ही उसका स्पेसिफाई कर रखा था, पहले ही स्पेसिफाई कर रखा था। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी किसके साथ, विद डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ, सोलवेंट की जो वैल्यू है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ। तो ये था हमारा क्या स्टूडेंट सेकेंड फैक्टर। तीसरा फैक्टर होता है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सोल्यूट या जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें थी भाई हमारी जो इसके अंदर हमने डिस्कस किया, क्या था हमारा सेकंड फैक्टर सॉल्वेंट था भाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी तो हमारी लैम्डा यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या करती है डिक्रीज करती है, क्योंकि उसके अंदर हमने पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ था आयंस को, तो जिसके कारण क्या हो जाता है भाई वहाँ पर अफेक्ट होता है और जिसके कारण क्या हो जाएगी कि वो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो तीसरा है हमारा क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट।
अब नेचर ऑफ सोल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें थर्ड हमारा, तो ये दोनों तो आने ही थे क्योंकि भाई नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो रहा है। तो यदि कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाके टूटेगा तभी तो हमें पता लगेगा भाई कंडक्टेंस है, यदि उसने आयंस ही नहीं बनाए तो कैसी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। या फिर हम बात करें भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है सॉल्वेंट के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा फैक्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या बताते हैं भी, हम बताते हैं भी कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगी इसके ऊपर, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे भी जो हमारा क्या होता है कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट कह लें या फिर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूंगा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी क्या कहेंगे हम कंडक्टेंस ऑफ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ आयन का मतलब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मोर कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मोर कंडक्टेंस। अब इसका मतलब क्या है भी स्टूडेंट्स, मोर कंडक्टेंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मोर कंडक्टेंस बिकॉज दे डिसोसिएट इजली इन आयन, दे डिसोसिएट इंटू आयंस ईजली, जबकि ये क्या हो जाते हैं आसानी से टूट जाते हैं, डिसोसिएट इन आयंस ईजली, यानी कि ये आसानी से क्या हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं स्टूडेंट्स। जबकि मैं बात करूँ किसकी, मैं बात करूँगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या हो जाते हैं वो कम टूटते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वीक होती है, लेकिन एक चीज़ है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर, यानी कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो आपने सॉल्यूट डाला है उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है हमारा भी, जो परसेंटेज आयनाइजेशन होती है मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है जितने भी आपने मोल के अंदर डाला है इक्विवेलेंट डाला है वो उसकी जो क्या होगी आयनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना टूटेगा यानी कि डिसोसिएशन कितना होगा, तो उसके हम क्या बोलते हैं भी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा उसको हम लिखेंगे परसेंटेज आयनाइजेशन। परसेंटेज आयनाइजेशन का मतलब भी कितना वो आयनाइज हुआ है सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद, उसी और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 किसके लिए परसेंटेज लिया जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, कितना उसके अंदर आयनाइजेशन होगा सोल्यूट का। अब जितना ज़्यादा सोल्यूट उसके अंदर जाके टूटेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे। अब यदि आपने वीक इलेक्ट्रोडाइल डाला है और उसके अंदर सिर्फ आपको 10 या 5 आयन मिल रहे हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, क्या उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगी, नहीं होगी। लेकिन एक आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिसके अंदर 70-80 क्या हो रहे हैं आयन्स एकदम आपको मिल रहे हैं, और वो आयन्स जब मूवमेंट करेंगे तो उनके कारण जो क्या होगी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम कह देते हैं भी जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, किसके ऊपर, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करती है सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट का मतलब जितना आयनाइजेशन होगा सॉल्यूट का उतना ही ज़्यादा क्या होगी हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर अफेक्टिंग थे, किसको, फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो कंडक्टेंस को डिपेंड करने वाले फैक्टर्स थे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं वहाँ पर, आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से, तो वो चीज़ भी आप लोग ध्यान से करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है जो वो है हमारा वेरिएशन ऑफ किसका, वेरिएशन देखते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ऑन डिल्यूशन, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस ऑन डिल्यूशन या विद डिल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस
वेट डिल्यूशन ही कर लेता हूँ मैं, वेट डिल्यूशन यानी कि मैं क्या करूँगा, अब इनके अंदर क्या करेंगे हम, वाटर डालेंगे और उनकी डिल्यूशन करने के बाद यहाँ पर क्या देखेंगे भी, जो कर्व्स आती है वो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। इसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे दो ग्राफ है किस किस के बीच के अंदर होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है हमारा अंडर रूट सी कंसनट्रेशन के साथ और दूसरा होता है हमारा लैम्डा किसके साथ, लैम्डा एम के साथ मोलर कंडक्टेंस के साथ। तो आप यहाँ पर देखते हैं अभी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, अब डिल्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मैं इस तरफ जाता हूँ तो कंसनट्रेशन मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू इस तरफ जाएंगी हम मान लेते हैं अभी उसके आयंस कितने 1, 2 इस तरह से चलती जाएगी 0.2, 0.3 या ज़्यादा भी ले सकते हैं आप 3, 4, 5 जो भी है, लेकिन मेरा बताने का मतलब यही है भी कंसंट्रेशन तो आप कुछ मर्जी ले लीजिए, लेकिन जो ये है ये वैल्यू इस तरह बढ़ रही है और आपको पता है जो कंडक्टिवेंस की वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इसके अलाउंग बढ़ रही है। तो एक इक्वेशन जो हमारी डी पे हक्कल इक्वेशन आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ को क्या करते थे, डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हम आपको क्या करते हैं भी ये चीज़ के बारे में बता देते हैं भी, यहाँ पर एक होता है लैम्बडा एम नोट इंटरसेप्ट होता है और वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है भी कंडक्टेंस की, इस तरह से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है जैसे डिल्यूशन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आता है। दोनों ग्राफ की बात करते हैं हम, और एक और है हमारा ये किसके लिए भी, ये बच्चों के सी एल के लिए, दूसरा हमारा होता है किसके लिए, वो होता है हमारा वीक एसिड के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे वही वैल्यू है यहाँ पर लैम्डा एम होता है स्टूडेंट्स और यहाँ पर रूट सी होता है, ये भी बताएंगे भी रूट सी क्यों लिया, सी क्यों नहीं लिया तो ये भी देखेंगे हम। उसके बाद हमने क्या बताया भी जैसे ये बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आप लोगों को मिलता है, जो हमारा ग्राफ है वो दोनों का बिल्कुल अलग आ रहा है, वो क्या कारण होता है स्टूडेंट्स इसका भी, जो ये क्या है, ये तो हमारा कौन सा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि जो हमारा क्या होता है बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है। ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, ये क्या होगा भाई, ये ग्राफ है हमारा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, वैसे साहब ही आप जानते ही होंगे कौन सा है, ये CH3COOH ये चीज़ है हमारी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा गया है, जो हमारा क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है भी, और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी है भाई, क्या इफेक्ट पड़ता है डिल्यूशन का कंडक्टेंस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिल्यूशन का। तो बिल्कुल इजी से क्या है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब आप क्या कर रहे हैं, आप बात करते हैं सबसे पहले KCl की बात करता हूं मैं। अब KCl आप लोगों के पास, आपने क्या कर दिया इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, पहले भी डिजोल्व ही फॉर्म में था ये, लेकिन उस टाइम इसकी कंडक्टेंस कितनी थी, जब इसकी हाई कंसंट्रेशन थी, मैं मान के चल रहा हूँ जरूर नहीं है यही वैल्यू हो, क्या होता है इससे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमने समझना है भी, मान लिया मैंने भी ये वैल्यू थी उस टाइम जब हमने बात की कि क्या, जब इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट थी। अब क्या होता है कंसंट्रेशन हाइएस्ट होने का नहीं मतलब क्या होंगे, इसके आयंस बहुत ज़्यादा पास होंगे, हिंड्रेंस होगी एक दूसरे के अंदर, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा इसके अंदर और ज़्यादा क्या डालूँगा मैं, वाटर डालूँगा, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर KCl के अंदर और ऐड कर देता हूँ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, डिल्यूशन कर दिया, तो जैसे ही डिल्यूशन किया तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या था भाई, जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ आयन पर यूनिट एरिया थे वो नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो उनके बीच की पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्टेरिक हिंड्रेंस जो भी इनके बीच में जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी वो अब थोड़ी सी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं नंबर ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है डिल्यूशन के साथ बढ़ जाता है। इसी कारण से जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ डिल्यूशन, यानी कि डिल्यूशन कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, डिल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन को इस तरह मूव करेंगे, समझ के लिए हम इस तरह मूव करेंगे, क्योंकि आप ऐसे समझे तो क्या होगा भाई, आपने क्या किया कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी डिल्यूशन के साथ,
हम डिल्यूशन के साथ पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे भाई कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और क्या हो रहा है भाई कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हम पढ़ रहे हैं भाई डिल्यूशन के साथ ऐसा क्या फैक्टर हुआ भाई, इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या हो गया, कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करी भाई, जो भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो भी इसके बीच में लग रहा था वो क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, जिसके कारण कंडक्टिविटी हमारी क्या होती गई, इंक्रीज होती होती कैसे इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, आप देखते होंगे भी धीरे धीरे ये लैम्डा एम हमारा क्या बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा कर लो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन डिल्यूशन करने पर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी। तो इसके केस के अंदर वो केस देखिए भाई, अब बात तो ये है अभी इसकी तो थोड़ी सी बढ़ रही है, यानी कि ऐसे पी गई उसकी तो एकदम से क्या हो रही है, एकदम से ज़्यादा, यानी कि पहले तो क्या हुआ थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन फिर दे रखा भी और बढ़ गया और एकदम से फिर क्या हो गया, स्ट्रिप इंक्रीज आ जाता है और इसको हम एसिम्प्टोटिक रीजन बोलते हैं भाई। वो चीज़ आप आगे पढ़ोगे आगे की क्लासेस के अंदर, लेकिन मेरा मेन बताने का मकसद ये है भाई, जैसे ही आपने क्या करते हैं, अब आप लोगों को पता है भाई जो ये एसिटिक एसिड है, अब आप लोगों को सभी को पता है भी एसिटिक एसिड है, हमने क्या कर रखा है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है, तो आप लोगों को पता है भी इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आयनाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, वो क्या होता है, कम होता है, यानी 5 आयन 10 आयन 20 आयन जितने लगा सकते हो भाई, मतलब क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका शुरू के अंदर कम था, जब इसकी कंसंट्रेशन हमारी मैक्सिमम थी यानी कि यहाँ पर थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो उसी टाइम हमने देखा भी जो हमारी लैम्डा एम है, लैम्डा इक्विवेलेंट है, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब ऐसा क्या हुआ स्टूडेंट्स भाई, इसके इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले इसका जो हम मान लेते हैं भी इसका खुद का ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, अब उसके अंदर आपने क्या कर दिया, डिल्यूशन कर दिया यानी वाटर डाल दिया, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन आयंस का वो इंक्रीज हो जाता है, जो नंबर ऑफ आयंस पहले 5-10 थे, अब क्या हो जाते हैं वो 30-40 के करीब आ जाते हैं, या आप ज़्यादा लगा ले लें ना, मतलब क्या होगा जो आयनाइजेशन वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो हमारी एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो ये रीजन था इसके अंदर, आपकी बुक्स के अंदर जो भी रखा हो तो मेन रीजन ऐसे होता है, और ये ज्यादातर आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भी ऐसा क्या होता है, तो नंबर हो गया, तो हम कहेंगे भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसके केस के अंदर बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, जो आयंस है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो इनकी टूट गई, और क्या हो गया, आयंस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए, जिसके कारण जो हमारी क्या होती है लैम्डा एम की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इसका स्टूडेंट्स फैक्टर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कम होगा लेकिन उसके अंदर एकदम से इंक्रीज आ जाता है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये इनके रीजन थे स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर हमें यहीं तक करना था। तो ये चीज़ थी हमारी, उसके बाद हमारा आएगा किरचॉफ लॉ आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे, यानी खुलार्स लॉ कहते हैं भी उसको, किरचॉफ तो फिजिक्स के अंदर होता है, खुलास लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वहाँ से भी क्या होता है बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, यानी कि नेट के अंदर भी हमने कई एग्जाम कई बार क्वेश्चन देखा है वहाँ से, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और सबसे आसान टॉपिक वही है, एक बार समझेंगे और उसको समझने के बाद आप लोग कहेंगे भी बिल्कुल ईजी था। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो के साथ नए लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।